नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जहां हम स्पेशल निफ्टी वीकली एक्सपायरी ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एक स्पेशल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटजी। ये आप ट्रेड करेंगे ऑप्शंस के थ्रू और इस स्ट्रेटजी को एज अ रिसर्च एनालिस्ट हम भी कई बार यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, जब हमें रिकमेंड करना होता है अपने क्लाइंट्स को। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें अगर आप सीखना चाहते हैं और सक्सेसफुली इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसकी एक्यूरेसी हमारे लिए काफी सही रही है और हमने इससे काफी अच्छा सक्सेस रेट हासिल किया है इसमें। तो ध्यान से इस वीडियो को आगे सुने और देखें। तो शुरुआत यहां आपको कैसे करनी है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको जिनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपको देखना होगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में कहां है, तो ओआई। कई लोगों को अगर नहीं देखना आता होगा तो मैं बता दूं, आप एनएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ये देखिए। और यहां इस तरीके से आप वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा और आप देख पाएंगे हाईएस्ट ओआई कहां है। जैसे 17,800 पर यहां दिखा रहा है 2.5 करोड़ के करीब, और पुट में देखिए 17,800 की कॉल और पुट 2.5 करोड़ और 1.5 करोड़ ओआई है। तो सबसे पहले आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है सबसे ज्यादा कहां है, ये आपने देख लिया। इसके बाद आपको देखना है निफ्टी का करंट ट्रेडिंग प्राइस कहां है, जिसे हम कहते हैं एलटीपी, क्या चल रहा है जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है। करंट ट्रेडिंग प्राइस जब आपने नोट कर लिया तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर आप देखेंगे कि आप इस तरीके से चार्ट खोल लीजिए। चाहे ये 17,000 मान लीजिए 800 रुपए की लाइन हमने बनाई और ये 17,700 निफ्टी मान लेते हैं आज ट्रेड कर रहा है यहां पर कहीं बीच में। इस पॉइंट पर ये है 17,750, यहां पर लिख लीजिए कि यहां है 2.5 करोड़ ओआई है मान लेते हैं, और यहां पर भी 2 करोड़ ओआई। इस ओआई का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने पहले कभी ओआई नहीं यूज किया तो मैं बता दूं आपको, ये डेटा चेक करना बहुत जरूरी है अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं 17,750 का निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब आपको देखना है एलटीपी को, निफ्टी की जो एलटीपी है अगर ये ऊपर की तरफ जाए, यहां देखिए, तो इससे क्या होगा, ये जो ओआई है यहां पर ये ओआई डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं निफ्टी के इस कॉल को 17,000 CE को, ये जो है 17,000 CE को शॉर्ट करके बैठे हैं, यहां पर ये नीचे गिरने लगेंगे। तो अगर ये अभी लेट से ट्रेड करता है 17,800 का कॉल 40 रुपए पर, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे निफ्टी ऊपर आएगा। ये तो आप सबको मालूम होगा, जैसे जैसे ये ऊपर आएगा आपको वेट कहां तक करना है, आपको वेट करना है जब तक कि ये 17,825 या 30, 20 से 30 पॉइंट ऊपर ना आ जाए उस ओआई से जहां पर सबसे ज्यादा कॉल शॉर्ट है। तो जैसे ही निफ्टी यहां ऊपर की तरफ आता है आपको क्या करना है, यहां पर फिर वेट करना है। आपको करना है ऊपर यहां आने के बाद वेट 5 से 10 मिनट कि ये यहां पर सस्टेन कर पाए। तो अगर निफ्टी 5 से 10 मिनट यहां पर सस्टेन कर पाता है तो ये जो ऑप्शन है 17,800 कॉल ऑप्शन 40 रुपए का, यहां शुरू हो जाएगी इसके, इसे हम कहते हैं अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जब जो सेलर्स हैं ये आ जाएंगे पैनिक में। अब इन्होंने इस कॉल को शॉर्ट किया होगा मान लीजिए 80 रुपए 70 रुपए में या 40 रुपए में जो अभी कर रहे होंगे, ये पैनिक करना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये यहां से ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये पैनिक करना शुरू होंगे और पैनिक के बाद आता है अनवाइंडिंग। और अगर ये अनवाइंडिंग हो गया इसे हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहां पर ये कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा, जो सेलर्स हैं वो पैनिक में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। जब भी तो पैनिक होने के बाद ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे अपनी पोजीशंस को, और स्क्वायर ऑफ करेंगे जितना ज्यादा स्क्वायर ऑफ करेंगे जो कॉल ऑप्शंस हैं ऊपर के वो उतने ज्यादा स्पीड से और उतने ही ज्यादा मल्टीफोल्ड बढ़ना शुरू होंगे। तो आपको यहां क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है हम आपको बताते हैं। तो अगला सवाल जो है वो यही है, हाउ टू ट्रेड। तो यहां आपको ढूंढना है सबसे पहले ओटीएम कॉल। ओटीएम कॉल
कौन से होंगे? आउट ऑफ द मनी कॉल। निफ्टी के आउट ऑफ द मनी कॉल्स को आप देखेंगे तो यहां पर इस केस में क्या है, इस केस में निफ्टी का जो आउट ऑफ द मनी कॉल है, निफ्टी क्योंकि 17,750 का चल रहा था, ठीक है, यहां से ये बढ़कर गया 17,825 और यहां पर सस्टेन किया 5 मिनट से 10 मिनट, तो आप यहां आउट ऑफ द मनी कॉल लेंगे। आउट ऑफ द मनी कॉल कौन सी होगी यहां पर? यहां पर आउट ऑफ द मनी कॉल होगी 17,900 की, आपको ध्यान देना है 17,900 और 17,950 वाली कॉल पर, और ये होंगी मान लेते हैं 20 रुपए के करीब। तो आपको ऐसी कॉल ढूंढनी है जो 10 से 20 रुपए की है, और आपको करना क्या है, इन्हें बाय करना है एसएल के साथ, एसएल होगा 0। जी हाँ, यहां पर आपको एसएल नहीं रखना। ये कॉल्स हो सकता है 1 रुपए पर आ जाए और 1 रुपए आने के बाद फिर बढ़कर 50 से 100 रुपए हो जाए। तो यूजुअली एक्सपायरी के दिन जब भी ऐसा होता है कि ये कॉल्स जब बढ़ना शुरू होती है, ओटीएम कॉल्स अनवाइंडिंग के बाद, अनवाइंडिंग के बाद, तो ये बढ़ती है कम से कम भी 2 गुना, और इसे हमने 5 गुना 10 गुना होते हुए भी देखा है एक्सपायरी के दिन। इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। एसएल रखना है आपको 0, ओटीएम कॉल लेनी है हमेशा, और किस बात का ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ओआई कहां है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज कि ये सस्टेन करता है या नहीं। आपको गलती क्या नहीं करनी है कि ये अगर तुरंत तुरंत 825 आता है 5 सेकंड के लिए और आप बाय कर लेते हैं यहां पर, तो ये हो सकता है तुरंत नीचे कर जाए, चला जाए, और आप हो जाएंगे यहां पे ट्रैप। तो इस ट्रैप से बचने का क्या उपाय है? उपाय है सस्टेन। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, और इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं जब ये नीचे की तरफ जा रहा हो। तो अगर निफ्टी ये 17,800 है और ये 17,700 है, और यहां से निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, ये देखिए, और आ जाए मान लेते हैं 17,675 पर, यहां आपको वेट करना है कि सस्टेन करता है या नहीं 5 से 10 मिनट, और आप यहां पे कौन से पुट लेंगे? आपको लेनी है आउट ऑफ द मनी पुट। एसएल रखना है आपको 0, और आपको लेकर इसे बैठना है और वेट करना है अनवाइंडिंग का। तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हैं हर एक एक्सपायरी पर, मंथली एक्सपायरी हो और वीकली एक्सपायरी हो, कहीं भी निफ्टी में। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही स्ट्रैटेजी हम आपको बैंक निफ्टी की भी बताएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट्स आते हैं तो हम आपको जरूर बैंक निफ्टी की भी ऐसी ही बहुत ही एक्यूरेट और इंप्रेसिव स्ट्रेटजी बताएंगे अगली वीडियो में। तो जरूर इस वीडियो में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और स्टॉकबॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।